अस्सलाम वालेकुम, ये वीडियो बैचलर ऑफ लॉ यानी LLB के बारे में है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि LLB क्या है, इसमें एडमिशन कौन और कैसे ले सकता है, कौन से सब्जेक्ट स्टडी करना पड़ते हैं और फीस कितनी होती है। वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि LLB का स्कोप कितना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है, किस टाइप की जॉब्स मिलती हैं और सैलरी कितनी होती है। मैं इस वीडियो में LLB की A to Z कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा, बस वीडियो एंड तक देखिएगा। और इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल परफेक्ट इन्फो को विजिट करें। इंट्रोडक्शन। LLB इज एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ। द LLB डिग्री हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, अवेयरनेस ऑफ कॉमन लॉ एंड लीगल ट्रेडिशंस। LLB कोर्स दो टाइप का होता है ऑन द बेस ऑफ ड्यूरेशन, LLB 3 years एंड LLB 5 years। अगर आप इंटरमीडिएट के बाद LLB करना चाहते हो तो आप 5 साल की ड्यूरेशन वाला LLB कोर्स कर सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद LLB करना चाहते हो तो आप 3 साल की ड्यूरेशन वाला LLB कोर्स कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको 5 साल की ड्यूरेशन वाले LLB कोर्स की डिटेल्स बताऊंगा, जिसे आप इंटरमीडिएट के बाद कर सकते हैं। एडमिशन डिटेल्स। LLB में एडमिशन लेने के लिए जरूरी है कि आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 हो, यानी आपने FSC, ICS, ICOM या FA किया हो विद मिनिमम 50% मार्क्स, और आपकी एज 25 ईयर से कम हो। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज में LLB में एडमिशन लेने के लिए एंट्री टेस्ट देना पड़ता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज में मेरिट इतना हाई होता है कि 70% मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का भी LLB में एडमिशन नहीं होता। लेकिन अगर एवरेज बात की जाए तो 50% मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन जरूर हो जाएगा, क्योंकि हमारे कंट्री में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज LLB करवाती हैं। सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस। LLB में एग्जाम सेमेस्टर वाइज होते हैं, टोटल 10 सेमेस्टर होते हैं, और हर सेमेस्टर में 5 से 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। और LLB में मोस्टली सब्जेक्ट्स इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ, पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमन राइट्स लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, सिविल प्रोसीजर, लॉ ऑफ एविडेंस एंड लीगल ड्राफ्टिंग से रिलेटेड होते हैं। फीस स्ट्रक्चर। फीस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट होती है, जो कि यूनिवर्सिटी स्टेटस, यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड एंड यूनिवर्सिटी प्लेस पर डिपेंड करती है, तो इन फैक्टर्स की वजह से फीस कम या ज्यादा हो सकती है। मैं यहाँ पर एवरेज फीस बता रहा हूँ। LLB करने में टोटल 6 से 8 लाख रुपए लग जाते हैं, और किसी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से LLB करने में टोटल 10 से 15 लाख रुपए लग जाते हैं, और यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपकी फीस डिफरेंट हो सकती है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्कोप ऑफ LLB। किसी भी कोर्स, डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन में एडमिशन लेने से पहले जो सवाल हर स्टूडेंट के माइंड में आता है वो है स्कोप, यानी आप जो भी करना चाहते हैं उसका स्कोप कितना है, उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है। तो किसी भी कोर्स का स्कोप डायरेक्टली 2 चीजों से लिंक होता है, नंबर 1 जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड नंबर 2 सैलरी। तो इस कोर्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है, आप इन एरियाज में जॉब कर सकते हैं आफ्टर LLB। जुडिशियरी, बैंक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, न्यूज चैनल्स, बिजनेस हाउसेज एंड न्यूज पेपर्स। LLB करने के बाद आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में जॉब कर सकते हैं, जिससे इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज और इंक्रीज हो जाती हैं। LLB के बाद आपको इस टाइप की जॉब्स मिलती हैं: एडवोकेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जज, जनरल अटर्नी, लॉ प्रोफेसर, पॉलिटिशियन, बैंकर, लीगल एडवाइजर, कंपनी सेक्रेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जज वगैरह। LLB करने के बाद आप आगे स्टडी भी कर सकते हैं, लाइक आप LLM या MBA वगैरह कर सकते हैं। इन शॉर्ट, LLB का स्कोप काफी हाई है और इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा है। अगर आप लॉ को स्टडी करना चाहते हैं और इसी फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं तो LLB आपके लिए बेस्ट है। सैलरी आफ्टर LLB। सैलरी बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लाइक जॉब टाइप्स, जॉब लेवल, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस वगैरह। इन फैक्टर्स की वजह से आपकी सैलरी कम या ज्यादा हो सकती है। मैं यहाँ पर आपको एवरेज सैलरी बता रहा हूँ। LLB करने के बाद आप मंथली 50 से 80,000 रुपीज अर्न कर सकते हो। सैलरी आपके एक्सपीरियंस के साथ डबल और ट्रिपल टाइम इंक्रीज हो जाती है, और आफ्टर 5 ईयर एक्सपीरियंस आप एज अ लॉयर 1 लाख+ तक इजिली अर्न कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल परफेक्ट इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।